हेलो गाइस, मैं हूं अमित। भाई इस तरीके के कैंस के बारे में तो आपको पता ही होगा। इन कैंस में कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, बियर्स आती हैं, एल्यूमिनियम कैंस होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कैंस के अंदर कितना एल्यूमिनियम होता है? तो आज हम इनसे एल्यूमिनियम निकालेंगे। 100 एल्यूमिनियम कैंस लेंगे, उनको पिघला देंगे और फिर देखेंगे कि कितना एल्यूमिनियम निकलता है। इनमें काफ़ी पेंट भी होता है एक्चुअली में। तो यार अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग सा आइडिया है। आप लोग नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना भाई, प्लीज़ दबा दो अभी के अभी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो भी ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो भाई यहां पर इस कट्टे के अंदर है एल्यूमिनियम के पूरे 100 कैन, जो कि मैंने कबाड़ी से स्क्रैप में खरीदे हैं। तो आप लोग देखो, और भाई यहाँ पर है हमारी फर्नेस जो कि एकदम लाल हो रखी है, आप लोग देखो। और इस क्रूसिबल के अंदर हम इन कैंस को डालेंगे। तो फटाक से डालना स्टार्ट करते हैं। मैं शुरुआत करूँगा इस स्प्राइट के कैन के साथ में, और ये गया, अटक गया, ये लो। और देखो किस तरीके से इसमें थोड़ी आग लगी है। ये आग जो है ना, ये पेंट की वजह से लगी है। और भाई यार कैन तो गया, कैन इज गॉन इतना जल्दी। एक पेप्सी डालते हैं बड़े ही ध्यान से, और पेप्सी भी गया, इसमें भी आग लगेगी बिल्कुल। यार ये पेंट जल रहा है इन कैंस का। और भाई ये गया बियर का कैन, जो कि एकदम परफेक्ट आ गया। अरे यार देखो कैसे गायब हो गया, डालते ही पिघल गया। तो भाई लगभग हमने इसके अंदर 70 कैंस डाल दिए हैं, और अब जा करके इसमें देखो जगह नहीं बची है। बट मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कचरा भी है, तो मुझे लगा कि भाई बीच में एक बार कचरे को निकाल लेना चाहिए। देखो एकदम ये लाल हो रखा है। और भाई आप लोग प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ हो सकती है, बिकॉज इट इज़ टू हॉट। ये लगभग 1000 डिग्री के आसपास में, देखो कितना इसमें कचरा है यार। हो सकता है कि हमारा एल्यूमिनियम जल गया हो, या तो ये वो है या फिर ये इम्प्योरिटीज़ हैं एल्यूमिनियम में। और भाई ये गया इसमें आखिरी कैन, और इसमें लगभग हमको आधा घंटा लगा है भाई सारे कैंस डालने में। तो 100 के 100 कैंस इसमें जा चुके हैं। पास से दिखाओ जरा एक बार यार, ये काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज आती हैं इसमें, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। और अब इसमें से भाई सारा कचरा निकल चुका है, तो इसको करते हैं बंद, और फटाक से जो एल्यूमिनियम है उसको निकालते हैं। एंड यू कैन सी कि ये कितना रेड हॉट है। और इसको डालूंगा भाई मैं इस स्टील के बर्तन के अंदर, जिससे कि एक शेप में आ जाएगा। और ये है भाई लिक्विड एल्यूमिनियम जो कि कैंस से हमने निकाला है। और भाई जो एल्यूमिनियम है वो देखो लिक्विड स्टेट में है अभी भी। तो एक काम करते हैं, इसको सॉलिडिफाई होने देते हैं और फिर इसका वेट करेंगे। लगभग 10 मिनट ये ठंडा हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अभी ये जो पानी है ये तो बिल्कुल यार थोड़ा गर्म है, बट ज़्यादा नहीं है। देखो मैं इसमें अपना हाथ भी डाल पा रहा हूँ। तो भाई अब इसको हम निकाल सकते हैं बाहर, और यहाँ पर आ गया हमारा एल्यूमिनियम इस बाउल के अंदर। और भाई यहाँ पर फाइनली जो एल्यूमिनियम है वो आपके सामने आ चुका है, जो कि हमने निकाला है कैन से, जो एल्यूमिनियम कैन होते हैं। और यार इसके अंदर काफ़ी वेट भी है, क्योंकि कैन में तो इतना वजन होता नहीं, बट ये 100 कैन से बना है। हो चुका है 0, इसको रखते हैं। तो भाई इस एल्यूमिनियम के पीस के अंदर है 772 ग्राम के आसपास में वजन। तो अगर मोटे मोटे तौर पर हम हिसाब लगाएं तो एक कैन के अंदर जो होता है वो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि लगभग 7.5 ग्राम या फिर 7.7 ग्राम एक कैन का वजन है, एक कैन के एल्यूमिनियम का वजन है। हो सकता है भाई कुछ एल्यूमिनियम का लॉस भी हुआ हो, क्योंकि कुछ एल्यूमिनियम जो है वो कचरे के साथ निकल गया हो, या फिर कुछ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया हो जब हमने इसको काफ़ी तेज टेम्परेचर पर गर्म किया। लेकिन आप देख सकते हो कि एक हमने सॉलिड पीस बना दिया भाई। 100 कैंस को पी करके कितने लोग टल्ली हुए होंगे, एटलीस्ट बियर वाले को, और हमने उसी से ही एल्यूमिनियम निकाल दिया। तो मुझे काफ़ी यूनिक सी चीज़ लगी थी, इसलिए हमने किया है। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक ज़रूर से कर देना भाई, प्लीज़ कर दो लाइक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी मस्त मस्त वीडियोज़ के लिए बेल आइकन भी दबा लो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।